जय भोलेनाथ दोस्तों, 11:06 हो गई है, 11:06 AM, और ये मेरा आखिरी वीडियो होगा जब तक कि निफ्टी 11200 मैंने टारगेट दिया है 6 नवंबर तक नहीं आ जाए। इसके बाद मेरा कोई भी वीडियो कल भी नहीं आएगा, क्योंकि 11600 आना अब लगभग बहुत मुश्किल हो गया। कल तक अगर निफ्टी आया भी तो 712 तक आएगा, 712 कल तक, 712 तक कल निफ्टी ज़रूर आएगा ऐसा मुझे लगता है, 720 तक। लेकिन 600 नहीं आया तो मैं अपना वादा पूरा करता हूँ और 720 तक कल आ जाना चाहिए ऐसा लगता है कल। लेकिन आज तेज़ी रहेगी, मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मेरा वीडियो अब आपको आपके पास आएगा 6 नवंबर को तक, मैं टारगेट दे रहा हूँ टिल 6 नवंबर 11200 से नीचे निफ्टी 11200 से नीचे टारगेट है टिल 6 नवंबर, और ये 99.9% उसके नीचे ज़रूर आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर नहीं आया तो फिर मैं अगले और एक महीने नहीं आऊँगा, ठीक है, दैट्स माय जेंटलमैन प्रॉमिस। अब आ जाते हैं डिस्क्लेमर पे। डिस्क्लेमर ऐसा है, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, इसके पढ़े बिना आप मेरा वीडियो कभी भी मत देखिए। आज भी देखा है आपने एक चीज़ देखा कि नहीं, पूरी दुनिया कल जो तेजी हुई सबको लगा तेज खुलेगा पूरा SGX। कल मैंने वीडियो क्या बनाया था कि 70 पॉइंट तेज है, डाटा वाला वीडियो आपको देखा ही होगा रात को, 70 पॉइंट तेज है और मैं चैलेंज करता हूँ ये माइनस जाएगा, ठीक है। एक बार माइनस आया कि नहीं, अच्छा खासा माइनस आया, तो क्लोजिंग जरूर नहीं हो सकती है लेकिन माइनस जरूर आके दिखा, ठीक है। ये डाटा का कमाल है, उस तरह की रीडिंग का कमाल, पहले इसको पढ़ लीजिए आप लोग प्लीज़। अब आ जाइए, मैं आज आपको बहुत कुछ बातें बोल रहा हूँ, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत कीमती वीडियो है। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत कीमती है, ठीक है। तो मैं कुछ बातें आपसे करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने आज ही मेरे दोस्त को सुबह सुबह बोला इन्फोसिस 1180 का आज हाई मारेगा और वहाँ से 100 से 150 पॉइंट गिरेगा। ये मैंने सुबह फ़ोन पर संजय गुप्ता जी है बरेली से, उनको 7:30 बजे आज बोला, जबकि इन्फोसिस का ADR 5% प्लस था कल, ठीक है, झूठ कभी मैं बोलता नहीं। अभी आप देखिए 13 अक्टूबर के ये कॉल्स आपको याद होंगे, ये मैंने एक बार 13 अक्टूबर को भी आपको दिखाए थे कि बैंक निफ्टी का 23850 से के सेल करिए, 24800 का स्टॉप लॉस, ये 13 अक्टूबर को। उसके बाद तो कल 23200 भी आया, ठीक है, कल 23214 को आया, आपने देखा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये टारगेट हो गया, टारगेट मेरा 19000 का टिल 31 दिसंबर। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 13 तारीख का वीडियो भी आपको डाला था मैंने, ये मेरे दोस्त को मैंने SMS किया, व्हाट्सअप किया था, ये आपको उसका कॉपी दिखा रहा हूँ, 10:24 पर 13 तारीख को डाला था, ये आपको वीडियो में भी है। उसके बाद मैंने एक और डाला था कि 11000 का नवंबर का पुट ले लीजिए, 26 नवंबर का 78 चल रहा था उस समय 11:26 को, और टाइटली बैठिए 850 का भी टारगेट आ सकता है। ऐसा क्यों लिखा, मैं आपको तो 11200 का टारगेट दे रहा हूँ लेकिन मेरा मन बोलता है 26 नवंबर तक तो ये शायद 10000 को भी तोड़ डालेगा, ठीक है। आपको मजाक लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 12000 भी मजाक लगा था। अब आज ये उसी दिन मैंने ये लिखा था कि कोफोर्स को तभी सेल करना जब ये 2780 से 2800 के बीच में आए, फ्यूचर को 2793 का हाई मारा था, आप चेक कर सकते हो फ्यूचर का डाटा, 2793 परफेक्ट, ये कॉल एक्टिव हो गया। जब मैंने ये कॉल दिया था तब ये 2712 चल रहा था, कितना चल रहा था 2712, लेकिन फिर भी मैंने क्या लिखा कि जब इस रेंज में आए तभी सेल करना, तो ये आया था, एक्टिव भी हुआ 13 तारीख का, आप फ्यूचर का रेट खोज लीजिएगा, 93 का हाई बनाया, लेकिन जब मैंने ये लिखा तब 2712 चल रहा था, तो एक्टिव हुआ और आज इसकी रेट आप देख सकते हो, आज कितना आ गया ये, सिर्फ 2 ही दिन, आज दूसरा दिन है क्योंकि 13 तारीख को लिखा था, एक्टिव दोपहर को हुआ, आज 2500 रुपये आ गया, कितना आ गया, कल की क्लोजिंग भी 2600 की है, कौन सा है, कोफोर्ज, जिसका पुराना नाम था NIT टेक, आप सबको याद होगा, ठीक है। अब आ जाइए निफ्टी बैंक निफ्टी, आपको अगर शॉर्ट आज करना है, सुन लीजिए, कल आएगा 750 तक, लेकिन आज आपको शॉर्ट करना है तो 1:30 बजे करिएगा, जब ये 12000 के ऊपर मिलेगा आपको और ये 24300 के करीब मिलेगा आपको,
बैंक निफ्टी 24,300 के करीब मिलेगा। ये बातें मैं कितनी बजे बोल रहा हूँ, 11:11 पे, ठीक है, आप देख सकते हो टाइम, मतलब 1:30 बजे के आसपास आपको ये भाव मिल जाएंगे 24,300 प्लस, और ये मिल जाएगा 12,000 प्लस। उस समय आप शॉर्ट करिएगा और चुपचाप कल के लिए टारगेट को छोड़ दीजिएगा 750 का, कल का 750 to 800 का कल का टारगेट, और इसका टारगेट तो कल 23,000 के नीचे भी खिसक सकता है, लेकिन 23,300 का टारगेट दे रहा हूँ कल का, ठीक है। लेकिन शॉर्ट कब करना है, 24,300 से लेकर 24,400 के बीच, ये आएगा भी आज, ठीक है। सुबह इसने 600 दिखा दिया आपको, जो कल फंसा था उसको मौका दिया निकल जा, जो निफ्टी में कल फंसा था तो मैंने जो 945 का बोला था उससे काफ़ी नीचे ला के दिखा दिया, ठीक है। लेकिन 1:30 बजे आज का टॉप, 1:30 से 2 बजे के बीच में टॉप बन जाएगा मार्केट का, जो भी टॉप बनना होगा वो आज के 2 बजे तक मार्केट अपना टॉप बना लेगा, ये मेरा वादा है। उसके बाद आप अगर शॉर्ट करते हो तो आप इतना बड़ा जीत में रहोगे, उसको पोजिशनल भी कैरी कर लीजिएगा 100-200 ऊपर स्टॉप लॉस डाल के, निफ्टी में 200 पॉइंट ऊपर का निफ्टी का स्टॉप लॉस डाल के पूरा महीना बैठे रहिए, इतना पैसा आएगा कि आप रख नहीं पाओगे, ठीक है। और कोफोर्ज आपको दिखाई दिया मैंने, क्या कमाल का कॉल था, 2 दिन में 300 रुपये टूटना, किसको मजाक नहीं बोलते, 300 रुपये, वो भी एडवांस कॉल पे। इन्फोसिस मैंने आज चैलेंज किया था मेरे दोस्त को, 1085 का टारगेट आएगा, तो 1089 का आ गया, और उसको मैंने बोला था 1180 के करीब हाई बनाएगा, ये भी बोला था। तो बस यही है आज का, अब विदा लेता हूँ आपसे, लव यू ऑल, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, आई लव यू ऑल, लेकिन मुझे रेस्ट भी चाहिए, सच बता रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, थक गया मतलब बहुत बुरी तरह से थक गया हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू मेक मोर वीडियोस, इसलिए नहीं कि 600 नहीं आ रहा यार, ये तो बहुत मजाक वाली बात हो जाती कि 600 नहीं आ रहा इसलिए छोड़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इतना राइट शायद ही यूट्यूब में कोई होता होगा एडवांस बोल बोल के, ठीक है। एडवांस बोलना बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है, जैसे 12,000 बोला वैसे नेक्स्ट वीक बोला कि मंदा ही रहेगा, तो आज भी आप कल फ्राइडे है, कल आपको ये 750 हो सकता है 600 भी कल दिखा दे, ये अलग बात है, ठीक है। अगर कल ही 600 दिखाता तो मेरा वीडियो चालू रहेगा, ठीक है, मगर एक बार 2 बजे तक मुझे तेज़ी आज लग रही है, 2 बजे आप अपनी पोजीशन को मार्केट ठोक के बैठ जाइए, और रॉन्ग हो सकता हूँ, डिस्क्लेमर इसीलिए डालता हूँ, ठीक है, भगवान नहीं हूँ। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और आपको बताता हूँ, बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर इस ग्रुप में मुझे ऐड करिए, फेसबुक में मेरे पिताजी, मेरे ससुर जी, मेरी वाइफ कोई भी नहीं है, मेरे ग्रुप में भी कोई नहीं है, ना मेरा कोई फ्रेंड है, ये ग्रुप खाली मैं अपने एजुकेशन के लिए बनाया। इसमें आप देख सकते हो कितने मेंबर, आपको इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स भी दिखा सकते हैं, हम लोग मेंबर कहाँ पे दिखता है इसमें पता ही नहीं है, देखो मैं दिखाता हूँ इसमें कितने मेंबर है, इसमें ज़बरदस्ती एक मेंबर मुझे ऐड करना पड़ा, देखिए 2 मेंबर्स, ये दूसरा मेंबर जो है वो मेरी वाइफ है, वाइफ को इसलिए ऐड किया कि इसमें पोस्ट करने के लिए आपको 2 मेंबर होना ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग ज़िंदगी में रिक्वेस्ट मत करिएगा फेसबुक में आने के लिए, मेरे साथ कोई भी नहीं है, ना मेरा कोई, अगर मेरा साले साहब भी है तो उनको भी ऐड नहीं करता हूँ किसी को भी, ठीक है। कोई ये धंधे के लिए नहीं खोल रखा, ये खोल रखा खाली अपने रिकॉर्ड्स के लिए कि अपनी स्टडी के लिए कि मैंने कब डाला था, इसमें टाइम पता चल जाता मुझे, ठीक है। जैसे ये पोस्ट आज अभी डाला मैंने, और एक और पोस्ट दिया था मैंने, ये देखिए 51 मिनट्स पहले पोस्ट दिया था, 10:23 पर, इसीलिए डालता हूँ ताकि मुझे याद रहे मैंने क्या बोला, सेल मार्केट टुडे ओनली at 1:30 PM, एंड अभी सिर्फ देखो प्लीज़, ठीक है। जय जिनेंद्र जय।